हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कृषक आंदोलन को। कृषक आंदोलन क्या होते हैं और इनके क्या परिणाम हुए, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है HP सेट का पेपर आने वाला है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। साथ ही साथ जो है आपको पता है कि नेट की नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, तो उन दोनों के लिए जो है फिर हमारे पास PGT का जो है नोटिफिकेशन आ गया हुआ है। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन चीज़ों का जो है अध्ययन करें। कृषक आंदोलन क्या है, किसान आंदोलन क्या है, और कृषक आंदोलन जो थे या किसान आंदोलन जो थे इनके क्या प्रकार रहे हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण कि इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये होते क्या हैं, तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि कृषक आंदोलन क्या होते हैं और उनकी क्या भूमिका रही है हमारी स्वतंत्रता के योगदान में, और आज के समय के अंदर भी हम लोग एक जो जो किसान आत्महत्या उसको एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं। तो ये तो हो गई उसकी पूरी पृष्ठभूमि है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, जिन लोगों का जो है ये क्योंकि सीरीज ही स्पेशल जो है वो PGT और उन एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम्स के लिए है, तो ये उनके लिए जो है वो इतना नहीं पढ़ने का दूंगा। हाँ, मतलब एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कृषक आंदोलन के प्रकार हम इस वीडियो में जो है वो सीधे पढ़ेंगे। मतलब कहने भर का तात्पर्य ये है कि जो किसान थे भारत देश के, उन लोगों ने जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट किए, उनको ही हम लोग कृषक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। वो जो है वो उनकी भूमि के ऊपर जो ऑक्यूपाई कर रहे थे अंग्रेज या बाहरी लोग आकर के, उसको लेकर के थे, और या फिर वो साहूकारों के खिलाफ थे जिन लोगों ने उनको चुंगल के अंदर अपने फंसा लिया था और छोड़ने के लिए राजी नहीं थे वो लोग। उसी तरीके से हम बहुत सारी कड़ियों का जो है अध्ययन करेंगे इसके अंदर, जिससे हम लोगों को जो है वो क्लियरिटी होगी। हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस चीज़ को करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं कि इनके प्रकार क्या थे जो मैंने आपको बताए। देखो, सरकार की और जो है प्रशासन की पहली टसल होती है, तो उस टसल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ किस चीज़ को लेकर के रहे हैं कि किसानों के लिए जो भूमि होती है ना वो उसकी माँ होती है, ठीक है, और जो बाहर से शासन करने वाले आए हैं या जो व्यापारी हैं उनके लिए एक प्रॉफिट का माध्यम मात्र होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये जो है वो हमेशा कब्जा करने की कोशिश करेंगे और ये उसकी रक्षा के लिए जो है अपने प्राण तक दे देने के लिए जो है वो राजी हो जाएंगे या फिर जो है तैयार रहेंगे। ओके, तो ये आंदोलन जो है वो घटित होते हुए आपको देखने को मिलते हैं। उनमें सबसे प्रमुख आंदोलन जो है, उस आंदोलन की हम बात करते हैं, वो नील विद्रोह था। जो नील विद्रोह के ऊपर जो है हमें बार बार जो है चीज़ें पढ़ने और देखने और सुनने को मिलती है। नील विद्रोह जो है वो एक बहुत लंबे समय तक जो है वो विद्रोह होता हुआ देखने को मिलता हमें, और आगे चलकर ये तब तक रहता है जब तक गांधी जी जो है वो चंपारण के अंदर जो है वो विद्रोह तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ जाते हैं, तो वो भी वो नील की खेती के खिलाफ ही उनके द्वारा किया गया रिवोल्ट था या फिर एक जो है स्ट्राइक थी, ठीक है। नील विद्रोह जो मुख्य तौर पर जाना जाता है वो 1859 से 62 के बीच में जाना जाता है। ये ठीक वो समय है जब हमारे देश में क्या हो चुका है, स्वतंत्रता संग्राम हो चुका है 1857 का, ठीक है। नील विद्रोह के अंदर किसानों द्वारा जो है वो क्या, यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया जा रहा था। एक्चुअली में नील की जो खेती होती थी उसमें जो है मेहनत ज़्यादा होती थी और आमदनी जो है वो कम हो पाती थी किसानों को, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें उनको जो है वो प्रॉफिट नहीं होने देती थी या फिर उनका शोषण कर लेते थे ये लोग, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, और ये इसलिए जो है इतना महंगा सौदा उनके लिए साबित होता था किसानों के लिए। सेकेंड हम देखते हैं कि पावना आंदोलन होता है, पावना विद्रोह होता है 1870 से 1880 के बीच में। इस विद्रोह में हम क्या देखते हैं कि जो है पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ किसानों ने जो है जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, और इस आंदोलन का नाम जो है वो पावना विद्रोह या पावना आंदोलन रखा जाता है। पूर्वी बंगाल के बड़े जमींदार जो है गरीब किसानों से लगान एवं भूमि कर को जबरदस्ती वसूलते थे, जिसके विरोध में किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया। 1859 में जो है वो
अधिनियम जो है 10 के तहत जो किसान अपनी भूमि पर जो है अधिभोग के अधिकार को भी जो है वो रोका जाने लगा। ठीक है, इसके बाद मई 1873 में पूर्वी बंगाल के पावना जिले के जो है कृषि लीग का गठन किया गया, और 1895 में 85 में सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है बंगाल टेनेसी एक्ट के तहत जो है वो इस आंदोलन अधिकारों की वृद्धि की, तब इस आंदोलन को जो है रोका गया। ये आंदोलन था, ये आपका बंगाल टेनेसी एक्ट था। फिर दक्कन विद्रोह आते हैं 1875 के अंदर। दक्कन विद्रोह 1875 के अंदर जो है दक्कन ये वाला क्षेत्र है जो साउथ इंडिया का है, और मई जून 1875 के अंदर जो है वो कृषि संकट खत्म करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया, और दक्कन के विद्रोह का मुख्य रूप से मराठा, मारवाड़ी, गुजराती और साहूकारों के खिलाफ था। दक्कन विद्रोह रईतों का साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार था। दरअसल 1867 में भू राजस्व को 50% तक जो है वो बढ़ा दिया गया था, जिससे किसानों में विद्रोह का माहौल बन गया था। दक्कन विद्रोह के परिणाम स्वरूप सन 1879 में दक्कन राहत अधिनियम, डेक्कन जो है एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट जो है वो लाया जाता है। ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमें, ठीक है। और दक्कन विद्रोह दंगा जो है कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चंपारण सत्याग्रह की मैं बात करूं, आज मैं आपको सिर्फ कृषक सत्याग्रह करवा रहा हूं, और उसके बाद जो है किसानों के बाद हम लोग जो है वो आदिवासियों के सत्याग्रह भी करेंगे, या फिर उनके जो मूवमेंट है उनको करेंगे। 1817 के अंदर, 1917 के अंदर जो है जब महात्मा गांधी वापिस आ चुके होते हैं भारत में, तो ये विद्रोह जो है वो चंपारण जिले के अंदर जो है वो शुरू होता है 1917 के अंदर। किस नेतृत्व कौन करते हैं? गांधी जी नेतृत्व करते हैं। किसके बुलाने पे आए थे? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो बिहार से जो है वो बुलाने के लिए आए थे, कहाँ पे? जब गांधी जी को बुलाने के लिए आए थे, ठीक है। और उनके बुलावे पे जो है गांधी जी बिहार में जाते हैं और ये मूवमेंट जो है वो लड़ते हैं वहाँ पे। और इसमें उन्हें जो है भूमि के कम से कम 1/20 पर नील की खेती करने के लिए, इसी चीज़ को तिनकटिया प्रणाली बोला जाता है, ठीक है। और उसके खिलाफ जो है गांधी जी एक पूरा मूवमेंट लड़ते हैं, और गांधी जी इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप पर्टिकुलर एक आंदोलन को जो है वो पढ़ सकते हैं, पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या हुआ, समझना पड़ेगा। गांधी जी जो है यहाँ से जाते हैं, और वहाँ जा करके वो उनको जो है आदेश मिलता है कि आप जो है वो जिले में प्रवेश ना करें, अदरवाइज आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं इनकी, और इनके लिए कमेटी बनती है, उसी कमेटी के मेंबर बना दिए जाते हैं गांधी जी। और जो वो जो डॉक्यूमेंटेशन गांधी जी ने तैयार करी थी जो इस व्यवस्था के खिलाफ थे, तो उस व्यवस्था के खिलाफ जो वो कमेटी बनाई गई, तो उस कमेटी ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी, तो गांधी जी ने वो सारा डाटा जो है वो किसके सामने रखा? उस कमेटी के सामने रखा, ठीक है। और गांधी जी जो है ये समझा पाने में सफल हुए कि ये प्रणाली जो है इससे किसान खुश नहीं है, उनको इतनी सारी दिक्कतें सामना करना पड़ रही है, तो इसलिए सरकार ने जो है वो एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट ला करके जो है इसको ख़त्म तो कर दिया, और जो है इस चीज़ से मुक्ति भी दिलाई। तो इससे गांधी जी की छवि को बहुत ज़्यादा जो है वो फायदा पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी सेकंड मूवमेंट 1918 के अंदर जो वो खेड़ा मूवमेंट लड़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर जो है मौजूदा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध शुरू किया था, और वर्ष 1918 में गुजरात के अंदर ये शुरू हुआ था। भू राजस्व माफ करने के लिए आग्रह किया गया था, क्योंकि फसलें जो है वो प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो है वो खराब हो गई थी, परंतु अंग्रेज सरकार भू राजस्व माफ करने के लिए राजी नहीं थी, और इसी चीज के लिए जो है वो किसानों ने जो है वो आंदोलन किया, और जिसके कारण महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ पटेल ने किसानों का समर्थन किया और राजस्व भुगतान करने से रोक दिया, और कहा कि भाई दो ना पाई दो जैसे नारे जो है वो लगाए गए। और इसमें अंत में जो है वो सरकार ने उनकी मांगे मान ली, और उसमें भी गांधी जी की जीत होती है, ओके। फिर अगला मूवमेंट जो आता है वो आता है आपका मोपला विद्रोह, वो 1921 के अंदर। इससे पहले एक और मूवमेंट गांधी जी ने, पर वो किसी और का था, वो मजदूरों का मूवमेंट था, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया, अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक है। मोपला विद्रोह होता है, ये जो दक्षिण भारत है ना हमारा, वो दक्षिण भारत के अंदर जो है, दक्षिण भारत में
वहां पे कौन थे, जो मुस्लिम थे ना, वो काश्तकार थे, मतलब खेती और मजदूर थे, ठीक है, और जो खेती के जो मालिक होते थे वो हिंदू थे, और लगान काफी उच्च थी, ठीक है। और इन सब चीजों से दुखी होकर के यहाँ की जो मोपला जो कम्युनिटी है, जो मुख्यतः मुसलमान थी, उन लोगों ने मालाबार क्षेत्र जो है, मालाबार इस क्षेत्र को कहा जाता है केरला के आसपास का, यहाँ के जो किसान है इन्होंने विद्रोह कर दिया। और किसके खिलाफ विद्रोह किया, इन्होंने विद्रोह किया था आपका जो जमींदार वर्ग था उसके खिलाफ विद्रोह किया था, और शोषण उनका भी होता था, नो डाउट, ठीक है। परंतु जो है आधुनिक समय के अंदर इसको हिंदू मुस्लिम का जो है वो रंग देने की कोशिश की जाती है। शुरू शुरू में जो है, जब तक ये आंदोलन हिंसक नहीं था, तब तक जो है वो गांधी जी जैसे सरीके जो नेता थे, उन्होंने इस आंदोलन को जो है वो अपना क्या दिया था, समर्थन दिया था। बाद में जो है इस आंदोलन से खुद को इन्होंने अलग कर लिया, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी या फिर जो बाकी लोग थे, ठीक है। इन लोगों का जो है, इसमें अधिकांश जमींदार हिंदू थे, और जो जिनको जो है वो उन्होंने मार भी दिया बाद में, बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पे हिंसा हुई थी, है ना, और भीषण नरसंहार हुआ उसमें, जैसे वो हिंदू नरसंहार मानते हैं कुछ लोग इसको, और इस चीज के ऊपर कि ये विद्रोह था कि नहीं था, ये जो है वो सांप्रदायिक दंगे थे, इस तरीके का रंग देने की जो है आज के समय के अंदर कोशिश की जाती है। परंतु ये एक सिंपल रिवोल्ट था दबे हुए किसानों का, किसके विरुद्ध, जो है जमींदार वर्ग के विरुद्ध, और जमींदार उस समय मुख्यतः वहाँ पे जो थे वो मुस्लिम जो है हिंदू थे, और उन्होंने जमकर खून बहाया, और इस तरीके से जो है मालाबार के अंदर लगभग 10,000 लोग जो है वो उनकी जान चली गई थी, इसलिए हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो अगला मैं अगर नेक्स्ट देख रहा हूँ, ये बारदोली का सत्याग्रह है, 1928 के अंदर ये होता है। कहाँ पे होता है, बारदोली उत्तर प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पे सत्याग्रह होता है 1928, नहीं गुजरात के अंदर है, तो बरेली है उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना, गुजरात के अंदर बारदोली है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या होता है कि एक विद्रोह होता है, और क्या होता है जो है एक सत्याग्रह होता है। इसमें जो है सरकार ने श्रमिकों का जो लगान है, कृषि के श्रमिकों को लगान जो है 22% बढ़ा दिया था, जिसके खिलाफ ये जो है वो मूवमेंट शुरू हुआ। यहाँ की जो महिलाएं थी ना बारदोली की, उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल, जो हम भाई बोलते हैं उनको, भाई की उपाधि, सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उनको जाना जाने लगा था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो है मुख्य जो विद्रोह हमारे यहाँ पे हुए, और उन्हीं विद्रोहों के जो है आधार बना करके जो है आगे जाके बहुत बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो लड़ी गई, और कुछ और विद्रोह जो उस समय के हुए उनके ऊपर जो है हम जो है और अध्ययन करेंगे। हाँ, मेंस वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इनके क्या परिणाम हुए थे, इससे क्या लाभ हुए, स्वतंत्र भारत का पहला कृषक आंदोलन किसे माना जाना चाहिए, तो ये अलग अलग से डायमेंशंस हैं जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इनको जो है वो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आपने देखा होगा 2020 के अंदर सितंबर के अंदर सरकार जो है वो विधायक लाई थी कृषि से रिलेटेड, और जो बाद में जो है वो उनको जो है वापिस ले लिया था सरकार के द्वारा, है ना। तो ये था कृषक आंदोलन के रिगार्डिंग, हमारे 5-6 मूवमेंट हम लोगों ने ये डिस्कस करे, और उनके जो कंसिक्वेंसेस जो है वो डिस्कस करी। आपको मोपला विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, चंपारण विद्रोह के बारे में सुनने को मिला। तो इसके अलावा जब अगर आप देखोगे कुछ जनजातीय विद्रोह थे, आपने बोला होगा कि जो है वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर या फिर ईस्ट एरिया के अंदर जो विद्रोह हुए, जो है संथाल विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, ये सारे विद्रोह मैंने कैप्चर नहीं करे, सन्यासी विद्रोह कैप्चर नहीं करा, ये सारे के सारे ट्राइबल जो है वो मूवमेंट थे, हम इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।